कुछ इस तरह है बैंकॉक की गलियों का नज़ारा। मॉर्निंग का समय है और मैं जा रहा हूँ बस लेने। बस से जाऊँगा मैं नेशनल स्टेडियम तक और नेशनल स्टेडियम से मैं लूँगा मेट्रो ट्रेन। मेट्रो से जाऊँगा मैं अखौन स्काई वॉक जो टावर है। ग्रेप लेता तो ग्रेप लगभग 85 बात लेता यहाँ से मेरे हॉस्टल से, तो मैं ग्रेप नहीं ले रहा हूँ और देखता हूँ बस से जाऊँगा बस और उधर से बस से मेट्रो से अपना सफ़र तय करूँगा। लगभग इसमें समय ज़्यादा लग रहे हैं, ग्रेप में समय कम लगता। ग्रेप में वो लगभग आधा घंटा लगता, बट पैसे बच रहे हैं, समय है अभी मेरे पास। 12 बजे चेकआउट लेना है, देखते हैं अगर लेट होगा तो वापसी में मैं ग्रेप यूज़ कर लूँगा। फ़िलहाल अभी बस यूज़ करते हैं और मेट्रो, तो दोनों से अपन जाते हैं। बैंकॉक की गलियों में स्कूटर यार, वो भी ओल्ड मॉडल। आज देखा मैं पहली बार ये स्कूटर ओल्ड मॉडल, जैसे हमारे इंडिया में चलता था बजाज का, वैसा ही है स्कूटर ये। तो यहाँ की कारों में काला शीशा अलाउड है, मैं देख रहा हूँ यहाँ तक सभी कारों में काला शीशा यानी लगा हुआ है। गलत स्टॉप बताया, ये बस स्टॉप नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, वो है बस स्टॉप। ये बस स्टॉप नहीं है जहाँ से मुझे बस मिलेगी, बट लेट नहीं करता, मुझे जल्दी जाना है। हर 15 मिनट में बस है यहाँ। यहाँ पर कुछ होता होगा यार, यहाँ पर ये सब कुछ है। 5 आने वाली है।
थैंक यू कपूर सर। जनाब अपन चल रहे हैं बैंकॉक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाषा को कोई ना नहीं समझ रहे हैं और ना ही मैं इनकी भाषाओं को समझ रहा हूँ। बात लैंग्वेज की नहीं होती, बात इशारों से हो जाती है, लोग समझ जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बुजुर्गों को अच्छा सम्मान दिया जाता है और जो अंधे होते हैं उनको भी सम्मान दिया जाता है, सिटीजन वरिष्ठ सिटीजन को। इस वक्त हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक रिलीफ हो गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बसों में पंखे लगे हुए हैं बट हमारे इंडियन बसों में पंखे नहीं लगे, सिर्फ पंखा। बट आज मैंने गौर किया कि पंखे लगे हैं। दूसरे दिन तो मैं ऐसी बस में बैठा था, ये नॉन एसी है, जो नॉन एसी है उन बसों में पंखे लगे हुए हैं। बस में हॉर्न लगे हैं, अलार्म। अगर आपको जिस स्टॉप में रुकना है आप उस बटन को क्लिक कर सकते हैं और ड्राइवर साहब ब्रेक लगा देंगे। थैंक यू अपुन सर, दिस साइड सर, ओके थैंक यू अपुन सर। कहीं आप सुखोमवित नाना प्लाज़ा में ठहरे हुए हैं तो आप वहां से मेट्रो पकड़ सकते हैं किंग महाना खान आने के लिए, और आपको मात्र 35 मिनट में किंग महाना खान पहुंचा देगा मेट्रो, जिसके चार्जेस लगेंगे आपको 26 थाई बात। और ग्रेप बाइक यूज़ करते हैं आप कहीं नाना प्लाज़ा में रुके हैं तो 59 या तो फिर 67 थाई बात आपको पे करने पड़ेंगे। तो जनाब बस से मैं बाहर आ गया हूँ, 10 बात दे के मैं आया हूँ बैंकॉक के बिग टावर में। तो मैं जा रहा हूँ मैकनॉक स्काई वॉक टावर, जो भी हो बैंकॉक का सबसे बड़ा टावर है। और मेरे जो हॉस्टल से मैं आया 10 बात दे के बस में, और ग्रेप शो कर रहा था 70-80 बात, और जो प्राइवेट टैक्सी बाइक ड्राइवर है वो तो लेते 150 थाई बात, बट मैं 10 बात में ही काम चल गया। देखते हैं जल्दी पहुंचते हैं वहां तक। कैमरा, जो कैमरे का बैटरी है वो 55% है, बैटरी बचत रहे अभी तक। मोहतरमा गोश्त ले जा रही हैं, आप क्या तक गोश्त ले जा रही हैं आप देख सकते हैं दिल्ली में। सभी लोग ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा है।
और कोई अपने ऑफिस की ओर दौड़ लगा रहा है। हम दौड़ लगा रहे हैं बैंकॉक के सबसे बड़े टावर पर। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए है मुझे मैकनॉक के स्काई टावर सामने है मेरे, और आपको भी दिखलाता हूँ। ये है वो टावर जिसके लिए मैं आया हूँ। और यहाँ दो टावर हैं, तो दोस्तों मैं बैंकॉक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके बहुत ही चीप रेट में किंग महानाकन स्काई वॉक यानी बैंकॉक की सबसे बड़ी टावर तक पहुंच चुका हूं। और आगे की वीडियो में आप देखिए टावर के ऊपर जाकर कैसा व्यू रहता है वो सभी। तो यह वीडियो यहीं तक के हैं।